मेमोरी ड्राइंग के अंतर्गत आज हम आपको मयूर का त्वरित रेखांकन करके दिखाते हैं, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मयूर कई बार पूछा जा चुका है, हम आपको मयूर का रेखांकन करके बड़ी शीघ्रता से दिखाते हैं। सबसे पहले चोंच की आकृति इस प्रकार से बना लेते हैं और बनाने के बाद फिर उसके बाद गर्दन को घुमाव देते हुए इस तरह से बनाते हुए ले आएंगे नीचे, और फिर यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए इस तरह से पूंछ की आकृति बना देते हैं, और फिर यहाँ से घुमाते हुए इस तरह से पैर बनाते हैं। इस प्रकार इस तरह से पैर बना देंगे, इसी प्रकार से बना करके फिर इस तरह से पीछे वाले हिस्से को बना देते हैं, और फिर इस तरह से पंख की आकृति, फिर आँख, और इसी प्रकार से मयूर की शिखा बना देते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सहजता के साथ आप मयूर का रेखांकन कर सकते हैं। उसके बाद पंख के मोड़ को इस तरह से दर्शा देंगे, और फिर इस तरह से कई लाइनें बहुत जल्दी से आप ड्रॉ कर दें। उसके बाद इसमें इस तरह का रेखांकन कर दें गोलाकृति, फिर इसमें इस तरह का, इस प्रकार से बनाते जाएं, और फिर इस तरह से मयूर के पूंछ की आकृति को इस प्रकार आसानी से बेहतरीन बना सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं इस तरह से। और पूरे को आप रेखांकित करके उसके बाद पेंसिल से आप छाया दिखा करके इस तरह से गहरा हल्का सेट दे करके मयूर बना सकते हैं। इस प्रकार बना देंगे और फिर इसको इस तरह से पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम शीघ्रता से आप नियम जान लें और इसी तरह से बना देंगे। इस प्रकार बनाते चले जाएंगे, इस तरह से बना देंगे, और उसके बाद फिर पेंसिल से इसमें इस तरह से छाया प्रकाश दिखा देंगे। तो बहुत कम ही समय में आप इस तरह से बहुत कम ही समय में रेखांकित करके सेट दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।